हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट कॉमन इशू के बारे में, ओवरनाइट बैटरी ड्रेन के बारे में, जो कि आपको iOS 17 की अपडेट में हर किसी आईफोन पे देखने को मिलने वाली है। चाहे आपके पास नया आईफोन है, चाहे आपके पास पुराना आईफोन है, तो आप सभी अपने ओवरनाइट बैटरी ड्रेन के इशू को स्टॉप कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो इस टिप को यूज़ करके। डे टू डे रूटीन में जब आप इसको यूज़ करोगे तो वाकई में आप सुबह देखोगे कि उतनी की उतनी बैटरी ही आपको देखने को मिलने वाली है। ज़रा सी भी बैटरी आपकी ड्रॉप नहीं होगी ओवरनाइट में, जब आप उसके ऊपर कोई भी टास्क नहीं कर रहे हो, सिंपली अपने डिवाइस को रखा हुआ है इंटरनेट कनेक्शन को बंद करके। तो बात करते हैं उन टिप्स के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे आईफोन 13 पे, मैंने कल इसे चार्ज किया था फ्राइडे को 10:53 PM पर। यहाँ पर मैंने इसे चार्ज किया था 87%, तो अब आप सुबह देख सकते हो 86% आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से मैंने इसको सिंपली लॉक कर दिया था, इसका पावर कनेक्शन यहाँ से कट हो गया था, यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन कुछ भी काम नहीं कर रहा था इस कंडीशन में। तो यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, कोई भी इसमें आपको ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। बस 1% बैटरी ड्रॉप करी है, वो भी अभी अभी इसने ड्रॉप करी है। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी कर रखा है ऑलरेडी। यहाँ से आप देख सकते हो 87% थी 850 के ऊपर, अब आप देख सकते हो 852 हो चुके हैं और यहाँ पर 86 हुई है। जैसे मैंने अपने डिवाइस को पकड़ा और यहाँ पर 1% अभी ड्रॉप हो चुकी है। मतलब कि आप अपने ओवरनाइट बैटरी ड्रेन के इशू को स्टॉप कर सकते हो कम्प्लीटली। वो कैसे? सबसे पहले गाइस, आपके पास अगर बढ़िया बैटरी हेल्थ वाला डिवाइस है तो उस कंडीशन के ऊपर आप इसे स्टॉप कर सकते हो ओवरनाइट बैटरी ड्रेन के इशू को। अगर आपके पास बढ़िया बैटरी हेल्थ वाला डिवाइस नहीं है तो आपके कंडीशन में शायद ये जो टिप है काम नहीं करेगी। थोड़ी बहुत बैटरी जो ड्रेन होने ही वाली है आप सभी की, अगर आपके पास थोड़ी बैटरी हेल्थ वाला डिवाइस है, कम बैटरी हेल्थ वाला आईफोन है। उसके लिए गाइस आपको करना क्या कि रात को जब भी आप सोने लगे हो उस टाइम आपको अपने डिवाइस को चार्जिंग के ऊपर सेट करना है और 10% आपको चार्जिंग करनी है अपने डिवाइस की। जिसके साथ क्या होगा कि आपका जो डिवाइस है वो हीट हो जाएगा। हीटिंग के कारण क्या होगा कि आपका डिवाइस बढ़िया काम कर गया, क्योंकि आजकल विंटर्स चल रहे हैं तो उस कंडीशन के ऊपर आपका जो डिवाइस है वो ठंडा पड़ जाता है। ठंडा होने के कारण आपके आईफोन की बैटरी को वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता जो उसको चाहिए एग्जैक्टली। तो इसलिए मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा, अगर आपका जो डिवाइस है 50% हो चुका है रात को, तो आपको उसे 60% तक चार्ज करना है, जिसके साथ थोड़ा सा आपका डिवाइस जो है वो वार्म हो जाएगा, उसको एक बढ़िया सा टेम्परेचर मिलेगा। और साथ में अपने डिवाइस को आपको कपड़े में लपेट कर रखना है जो थोड़ा सा मोटा होगा, उसके ऊपर आपका जो डिवाइस है उस कंडीशन में बिल्कुल भी बैटरी को ड्रेन नहीं करेगा, जो कि ओवरनाइट बैटरी ड्रेन होता रहता है बहुत से ऐसे यूज़र्स के ऊपर। तो ये जो टिप्स हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे डे टू डे रूटीन में तो आप अपने ओवरनाइट बैटरी ड्रेन के इशू को स्टॉप कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।